कहते हैं भाजपा ने राम मंदिर दिया, ठीक है, तो लोग कहते हैं राम मंदिर से रोटियां बन जाएंगी, तो मैं पूछता हूँ सपा ने जो हज हाउस दिया उससे कौन सा रोजगार बन गया? ओहो, एक मिनट, ये बेरोजगारी को रोते हैं सब लोग। मैं ये पूछता हूँ 2014 से पहले इनके घर में कितने आईएएस थे, कितने पीसीएस, तो मुझे पहले ये बता दीजिए लोग। एक कबीरदास जी ने कहा है, कबीरदास जी ने कहा है, अगर विपक्ष की पार्टियां सब एक हो जाएं, विपक्ष की पार्टियां सब एक हो जाएं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका देश का सेवक ईमानदार है, तो इनको समझ लेना चाहिए हमारा देश का प्राण सेवक ईमानदार है मोदी सरकार, हमारा देश का। मैं ये देख रहा हूँ कि राजनीतिक दलों की स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि बदायूं जनपद में एक राजनीतिक दल को प्रत्याशी नहीं मिल रहा, तो दूसरे राजनीतिक दल में पहले भैया भेजे गए, फिर चचा भेजे गए, अब चचा के बच्चा भेजे गए, लेकिन कोई भी टिकने को तैयार नहीं है, सब मोदियों के नीचे फिर से बदल जाएंगे। तो जनता है, हम भी तो एक कार्यकर्ता है, तो जनता कार्यकर्ता के साथ साथ हम भी जनता है, और हमारे मोदी जी ने सपा वालों को वैक्सीन भी दी थी, जो आज सपा वाले कह रहे हैं। तो मुमकिन है, 2012 से 2017 में सपा की सरकार रही, जो लोग कहते हैं ना ये मुस्लिम अध्ययी है, इन्होंने मुसलमानों को छात्रवृत्ति के दसवोत्तर की छात्रवृत्ति को 580 करोड़ रुपए दिए, और हमारी सरकार ने 2017 से 2024 के बीच में 1075 करोड़ रुपए दे दिए। अब आप कुछ फर्क देख लीजिए, दुगना है। ये लोग सिर्फ रिक्शा और कब्रिस्तान की दीवारें दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकते मुसलमानों को। लोग कहते हैं भाजपा ने राम मंदिर दिया, ठीक है, तो लोग कहते हैं राम मंदिर से रोटियां बन जाएंगी, तो मैं पूछता हूँ सपा ने जो हज हाउस दिया उससे कौन सा रोजगार बन गया? ओहो, एक मिनट, भाई साहब कोने में जाने दो, इधर भी हैं लोग, आइए, अरे नेताजी भी पीछे बैठे हैं, ये जो जनता कह रही है, सब लोगों को शांत कर दीजिए। एक मिनट, आ रहा हूँ मैं, सबके पास आऊंगा, बोलिए, सुन रहे हैं, एक मिनट, सब लोग शांत, आप बोलिए अपनी, सुनिए साहब, मैं मुकेश राठौर परिवर्तन समाज पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी हूं बदायूं सीट से, और मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं, बैठ जाइए आप सब लोग, आप मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे की बात बताइए इस लोकसभा में क्या है? मेरे लोकसभा में लोकसभा की उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 80 सीटें होने के बावजूद भी यहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जो है दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, वहाँ पर रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूँ, सुन लीजिए सर, ठीक है, रोजगार आप कह रहे हैं, सुनिए हाँ, जल्दी से, मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूँ कि आपने ये तो सुना होगा कि उत्तर प्रदेश का युवा दिल्ली और गुजरात नौकरी करने जाता है, आप इनमें से कोई भी बता दीजिए कि दिल्ली और गुजरात से युवा अगर बदायूं की धरती पर उत्तर प्रदेश की धरती पर रोजगार करने आता हो तो मुझे बताओ। हाँ बताइए चाचा, आप आ गए, हाँ एक मिनट, आप बैठिए। मेरा कहना ये, बार बार ये बेरोजगारी को रोते हैं सब लोग। मैं ये पूछता हूँ 2014 से पहले इनके घर में कितने आईएएस थे, कितने पीसीएस, तो मुझे पहले ये बता दीजिए लोग। बार बार बेरोजगारी की कहेंगे, बार बार कहते बेरोजगारी, इससे पहले कितना रोजगार था 2014 से? मैं बता रहा हूँ सर, महिला सम्मान की बात करता हूँ, सुनिए सर, महिला सम्मान की बात करता हूँ। बिहार में नीतीश सरकार थी, बिहार में नीतीश सरकार थी, नीतीश सरकार में जब बिहार की, हम बदायूं की बात कर रहे हैं भैया, हम बदायूं की बात कर रहे हैं, हाँ नहीं, मैं बदायूं का मुद्दा क्या है, ये बताइए, भ्रष्टाचार नहीं है, 5 किलो आटा, 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं महीने में 2 बार, उस तरफ चलिए, क्यों दे रहे हैं, इसलिए मोल खरीद रहे, 2000 रुपए का ऐसा मान थी मैं, इधर आइए, आ रहा हूँ, मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूँ कि मोदी जी ने विश्व में वो काम कर दिया, पंडित दीनदयाल के सपनों को साकार कर दिया, जब से रखा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कदम, देश में नहीं पूरी दुनिया में चमत्कार कर दिया। मेरी बात सुन लीजिए, एक कबीरदास जी ने कहा है अगर विपक्ष की पार्टियां सब एक हो जाएं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका देश का सेवक ईमानदार है, तो इनको समझ लेना चाहिए हमारा देश का प्राण सेवक ईमानदार है मोदी सरकार।
हमारे देश के खिलाड़ी और मोदी जी के साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि देश का युवा साथ है, पढ़ा लिखा साथ है, सभी लोग साथ है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ है। मोदी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ है। हो गया 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 इधर हो गया। अरे 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 पानी 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 पिलाए, पानी पिलाइए इनको, पानी पिलाइए इनको। अरे धमका क्यों रही है, बात कीजिए ना। भैया उधर ही लोग हैं, इधर नहीं आए क्या? आप आगे आइए, आप आगे आइए, सबसे आगे आइए, आइए 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 आगे आइए आइए, थोड़ा हटिए थोड़ा हटिए थोड़ा हटिए, एक पीछे आइए थोड़ा सा, थोड़ा पीछे आइए, एक मिनट आगे, आप आगे एक मिनट हटिए हटिए, मैडम आगे आइए, आप आगे आइए, मैं पीछे जा नहीं सकता, सब महिलाएं हैं, आप आगे आइए। बात ये है, अगर इलेक्शन हो तो ईमानदारी से हो, ये ना शोर मचा के ये शासन बदल देंगे, ना शोर मचा के हम बदल देंगे। आम मानस नहीं है, सब कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता हैं समाजवादी के, तो हम समाजवादी की जय करेंगे, जब बीजेपी वाले हैं तो जय बीजेपी की जय करेंगे, ये आम जनता जवाब दे देगी, आम जनता से जवाब, आम जनता आम जनता आम जनता आम जनता आम जनता, इधर आम जनता, इधर पार्टियों के लोग हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि राजनीतिक दलों की स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि बदायूं जनपद में एक राजनीतिक दल को प्रत्याशी नहीं मिल रहा, तो दूसरे राजनीतिक दल में पहले भैया भेजे गए, फिर चचा भेजे गए, और चचा के बच्चा भेजे गए, लेकिन कोई भी टिकने को तैयार नहीं है, सब मोदियों के नीचे फिर से बदल जाएगा। जनता इस बात पे निर्णय करेगी, है हवा में क्या क्या, जय श्री राम की बहार है। ना प्रधानमंत्री का चेहरा, ना एमपी का चेहरा। एक सेकंड अभी 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 अरे बन अभी इन्होंने बोला जनता विकास के साथ है, जनता विकास के साथ है, इन लोगों राज नहीं चलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा, योगी राज चलेगा, योगी राज चलेगा। नारायण 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 उधर 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 नारायण नारायण एक मिनट आ रहा हूँ, हाँ एक मैं पूछना चाहता हूँ, अगर और पार्टियों में देश हित की भावना थी तो कश्मीर से 370 क्यों नहीं हटाई? क्या बदायूं की बात, बदायूं की बात, वो कश्मीर की बात है, ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन बदायूं का मुद्दा क्या है? क्या छुट्टा जानवर मुद्दा नहीं है? क्या सड़कें टूटी मुद्दा नहीं है? क्या पानी बिजली मुद्दा नहीं? बदायूं की बात कीजिए, मैं बदायूं में आया हूँ, दिल्ली के हालात तो हमें भी पता क्या है, बदायूं के बताइए, बदायूं में क्या, जब से भाजपा कोई मुद्दा नहीं है, कौन आ रहा है, बिजली भी है, पानी भी, सड़क भी है, बिजली पानी, लोग अपने जानवर छोड़ रहे हैं। आपकी बार 400 बार, अगर विरोध में इतना दम है विरोधियों में, तो फिर क्यों गठबंधन करते हैं, अकेले क्यों नहीं लड़ते हैं? अगर उनमें इतना दम है तो अकेले क्यों नहीं लड़ते हैं? विरोध में इतना दम है तो निकल के आए अकेले पे अकेले। महिला सुर एक 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 नहीं इधर इधर इस तरफ इस तरफ इधर, हाँ बदायूं का, देखिए महंगाई का मुद्दा, सर सर प्लीज हमसे बात करिए, महंगाई का मुद्दा, जो साढ़े तीन सौ सिलेंडर था वो 1200 में बिका, दालें जो 52 रुपए 50 रुपए किलो थी वो 200 रुपए किलो हुई, सरसों का तेल जो 40-50 रुपए, महंगाई आप महंगाई कह रही, महंगाई जवाब ले लूं, जो नौकरी निकली उसमें 60,000 पद, 60 लाख फार्म, और वो भी निरस्त, क्या दिया जनता को? शिक्षा और नौकरी दो चीजें, जो 5 किलो राशन का फंडा बोला जा रहा है कि राशन दिया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज बूचड़ खाना बना दिया क्या डबल इंजन की सरकार? उधर 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 चलिए, उधर चलिए, उधर चलिए, क्यों ला दोबारा बोल नहीं बोल, एक पेपर वैकेंसी, सरकार वैकेंसी निकालती है, सरकार वैकेंसी पेपर दे के बच्चा आता है, घर नहीं आ पाता तब तक वैकेंसी लीक हो जाती है, कैसे हो जाती है, क्या नियम है सरकार के? ठीक है जवाब जवाब, आम जनता आम जनता आम जनता आम जनता आम जनता, इधर पीछे 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 पीछे, इधर इधर इधर, यहाँ आइए यहाँ आइए यहाँ आइए, इधर जरा आइए राज भाई, इधर आइए, ये बाबा के पास आएंगे, आप आगे आइए, आप तो आपने आप आगे आइए, एक मिनट आगे सेठिए, आगे सेठिए, कैमरे के आगे सेठ जाइए भाई साहब, कैमरे के आगे सेठ जाइए, एक मिनट मुद्दा और यहाँ का माहौल, किसी पे कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, सब हल्ला कर रहे हैं, भाजपा का मुद्दा है, इनके पास कोई मुद्दा है भाई जी, कौन जीत रहा है घंटी में, अरे बीजेपी, अरे बीजेपी 400 कोई नहीं टक्कर में, कोई नहीं कोई टक्कर में, कोई नहीं कोई नहीं है, पिछली सरकार में लैपटॉप घोटाला किया था, और इस सरकार छोटे लोग छोटे मुद्दे बात करते हैं, सड़क की रेल की, बड़े लोग राष्ट्र की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, हमारी सरकार ने माफियाओं को राम नाम सत्करने काम किया है, और भगवान राम को मंदिर लाने का भी काम किया है। ठीक, तो देखिए भैया ये बदायूं का माहौल है,
बौखलाहट तो केवल ये है कि बौखलाहट तो इस बात की है, बौखलाहट तो इस बात की बेईमानी करने को नहीं मिल रही है। लूट अपहरण ये इनका लाइसेंस नहीं मिलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। कैमरा अभी एक सर जी ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे सर जी, मैंने भी बड़ा फार्म डाला नहीं ला, लेकिन आज मैं एक रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ, नेशनल बैंक में काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये कह रहे हैं बेरोजगारी तो है, नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? अपनी तैयारी करने जाके घर पे और किसी चीज का पेपर दें। और तो ये देखिए बदायूं में माहौल बहुत गर्म है भैया, बदायूं की जनता का मिजाज भी थोड़ा गर्म है, यहाँ पे पार्टियों के लोग भी थे और आम जनता भी थी और नेता भी थे, सबने अपनी बात को रखा और अपनी बात को कहा। कोई महंगाई की बात कर रहा है, कोई बेरोजगारी की, और कोई कह रहा है अब की बार 400 पार, लेकिन जनता तय करेगी कि जब नतीजे आएंगे 4 जून को तब तय हो जाएगा कि जनता किसके साथ गई और किसके खिलाफ गई। फिलहाल बदायूं से मेरे साथ इतना ही, वीडियो जर्नलिस्ट राज चौहान के साथ मैं राजेश कुमार, न्यूज़।